मैम। जो फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई है कितना योगदान है दादा साहब फाल्के का? साइलेंस प्लीज। आई थिंक दादा साहब फाल्के इज द बेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड हमने अगर इंडस्ट्री को ये दुनिया चकाचौंध पाई है तो सिर्फ दादा साहब फाल्के की वजह से पाई है, क्योंकि उन्होंने अगर फिल्म इंडस्ट्री को ईजाद नहीं किया होता तो शायद हम कोई भी यहाँ नहीं होते। सो आई रिस्पेक्ट हिज नेम। अगर उनका नाम भी आया और मुझे अगर खड़ा रहना पड़ा तो आई डोंट माइंड डूइंग एनीथिंग फॉर हिज नेम। एक अवार्ड फंक्शन है जो सम्मान है किसी के लिए बहुत जरूरी होता है, आपकी समझ से किसी की मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो क्या अवार्ड से ही पूरा होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि मेहनत का रिजल्ट सम्मान से ही होता है या नहीं होता है। हमारी OMG को इतना बड़ा सक्सेस मिला, पब्लिक ने इतना पसंद किया, लेकिन हमको कोई अवार्ड नहीं मिला, ना परेश जी को मिला ना हमें मिला, बट स्टिल एवरीबडी लाइक्स अस। बट पब्लिक का जो सम्मान है, प्यार है, वही हमारे लिए अवार्ड है। OMG पार्ट टू शुरू हो रहा है जनवरी जुलाई में, सो आई एम जस्ट ओनली वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक उससे बड़ी कोई फिल्म मेरे लिए नहीं हो सकती। I don't know, I have no idea, but I think they, of course they're going to do something different, better than OMG and PK. It's going to be the third generation. नहीं मैंने देखी नहीं, but परेश जी of course हैं तो मुझे पता है, but हर चीज सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ नयापन होगा OMG 2 में। कहाँ पर स्पेशल फॉर यू लेडीज़ के लिए जिस तरह हम अपने हर हक के लिए लड़ रहे हैं, उस तरह फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम लड़ेंगे। और जितना भी जितने भी लेडीज़ मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं और दे कम्बाइन हैं, आई थिंक दे डूइंग वंडरफुल जॉब। और उनको बैन करना मतलब कि आप कमज़ोर हैं, आप लेडीज़ आर्टिस्ट और मेकअप मैन को हैंडल नहीं कर पाते। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खराब है। कभी भी किसी भी काम के लिए किसी को स्टॉप करना जरूरी है। अगर आपका काम अच्छा है, आप आदमी हो या औरत हो, डजंट मैटर, यू शुड बी वेलकमिंग।
बाइट बाइट मत करना, हम सब ले रहे बाइट, उन्होंने छावर की बाइट ली उन लोग ने। ओ माय गॉड, ए बुलाओ सर, विच कैमरा यू वॉन्ट मी स्विच रोलिन रोल। मैं ये पूछना चाहूंगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, दादा साहब का कितना योगदान है फिल्म इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में? दादा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, अगर वो नहीं होती तो इतने लाखों लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलती, और अगर वो नहीं होते तो हमारा कुछ भी नहीं होता। सम्मान कितना जरूरी होता है किसी इंसान के, जो मेहनत होता है उसको मेहनत का फल नहीं मिले तो मेहनत की कोई फायदा ही नहीं है, तो फल तो मिलना ही चाहिए और मेहनत को सराहो पे। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा लोगों को मेहनत करना चाहिए और शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए और मेहनत का ही फल मिलता है। और पहली बार आपको जब अवार्ड मिला था किस चीज के लिए मिला था और कैसे एक्सपीरियंस था अवार्ड मिलने का? मुझे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले एंड आई बीन अ फॉर्मर मिस इंडिया ऑल्सो, मैं 25 कॉन्टेस्ट भी जीत चुकी हूँ बिफोर बींग एन अवार्ड, और बहुत सारा अच्छा हुआ मेरे साथ। तो मैं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी दैट डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिले और अच्छा हुआ और आगे बढ़े। आजकल फालतू अवार्ड जो हो गए वो हटाना चाहिए और अच्छे अवार्ड आने चाहिए। थैंक्स मैम, थैंक्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी अवार्ड नाइट। अवार्ड्स की इम्पोर्टेंस कितना होता है किसी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, बिकॉज एन एक्टर्स एफर्ट इज ट्रूली अप्रिशिएटेड इफ दे आर अवार्डेड विद सम सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। काफ़ी प्रीटी लग रही है के बारे में। आई एम वेयरिंग अ वेरी सिंपल साड़ी विद अ टिंच ऑफ ग्रे एंड इट इज एक्सुबरेंटली ब्राइटेंड अप विद द पर्पल कलर दैट आई हैव गिवन। अभी आपने बोला कि हम सब एक आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए अवार्ड या फिर सिर्फ बड़े पर्दे पर अच्छा दिखना, वो दोनों ही मायने रखता है। जो ऐसी एक मेकअप आर्टिस्ट है चारू खुराना, जिन्होंने कई बड़े ओबामा से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबके मेकअप किए हैं, वो एक अकेली ऐसी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो सिने कॉस्ट्यूम ऑफ आर्टिस्ट एंड हेयर एसोसिएशन है उससे जुड़ी हैं। बाकी 6 साल से ये बैन था, तो इस 6 साल से महिलाओं को मेकअप करना बैन हो गया था बॉलीवुड एंड टीवी इंडस्ट्री में। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ओनली वन जो सबका मेकअप भी करती हैं सभी आर्टिस्ट का, था बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का। आई थिंक आज हम एक ऐसे लिबरल सोसाइटी में है जहाँ पर वेमेन आर बींग गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो अगर वो बैन निकल चुका है, हट चुका है, सो इट्स माय हैप्पी अप्रिसिएशन। एनीथिंग एल्स? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चलना हटना।
सॉरी खरीद फरोख भी होती है अवार्ड्स की। मैं समझता हूँ कि ये बातें हैं, आज मैं ये आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे ये अवार्ड मेरी मेहनत के लिए मिला है और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा। आखिरी सवाल, आपको जीवन काल में काफी सारे अवार्ड्स मिले होंगे, पहला अवार्ड्स कब मिला था, क्या फीलिंग थी उस वक्त अगर आपको याद हो तो? खैर साहब, मुझे पद्मश्री भी मिला है और जब मैंने मेरी करियर शुरू की थी तो 1985 में मुझे KL साइगल, कुंदन लाल साइगल, सबसे बड़ा जो नाम था भारतीय संगीत का, तो KL साइगल अवार्ड भी मिला था 1985 में। वो जब मुझे साइगल का अवार्ड मिला था तो मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मैं साइगल साहब का बहुत बड़ा फैन रहा। थैंक यू सर, इंजॉय इवनिंग सर। अरे पीछे आना,
शूटिंग करने जाती हूँ फिल्म सिटी वो उनके नाम पे और पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच जनता जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना है क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है जिनके नाम का ये अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है और मेरा मुँह तो देखने दीजिए उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। आपने इस काबिल मुझे समझा और बाकी बहुत डर लग रहा है कि ये माइक मेरे मुंह पे ना मार दे। भाई लड़ो मत, मुंह पे मत मारना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। और इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने नई गाड़ी खरीदी है मर्सिडीज GL 350 और आज मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला तो आज 21 अप्रैल मेरे लिए बहुत लकी है। कितनी गाड़ियां हो गई घर में आपके? कितनी गाड़ियां हो गई? दो ही है, दो ही है भाई, एक ऑडी Q5 और एक मर्सिडीज और बस आगे बस लूंगी। थैंक यू भारती, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड बाय। अरे भाई बात की थी उन्होंने ही शुरुआत की थी और ऐसे लोगों के लिए हमें गर्व है, ऐसे महान पुरुष के लिए हमें गर्व है और मैं हर्ष गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूं कि आज दादा साहब फाल्के अवार्ड फाउंडेशन फिल्म फाउंडेशन अवार्ड उन्होंने कई सालों से उनकी शुरुआत की है और बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, सब लोगों की दुआएं हैं उनके साथ, मेरी भी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। एक गाना बस आज दादा साहब को डेडिकेट कर दीजिए आप, एक गाना बनता है उदित जी। सर आप बताओ। तू मेरा दिल तू मेरी जान, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। स्वागत करने के लिए अरे तू अंकल अंकल
Yes, I will. Left. Sir, sir, right, right. Sir, sir, sir. Sir, you have a Sunday. Thank you. Rajkumar, left.